किया है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गई। माशरती मसाइल पैदा होने से मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी हो गई हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया के पांचवें बड़े मुल्क पाकिस्तान के मौशी निज़ाम और आवाम को किन चैलेंजेस का सामना है, इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से एमन सैयद की रिपोर्ट। आबादी में इजाफा यानी मसाइल में इजाफा, वतन अजीज में तेज रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी ने मुल्क को बेशबहा मसाइल में जकड़ लिया, जिनमें सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी, गैर मियारी तालीम, खुराक की कमी, पानी की किल्लत, रहाइश और ट्रांसपोर्ट के मसाइल सर फहरिस्त हैं। वसाइल की कमी की वजह से ये मसाइल अजदहे का रूप धार रहे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान में बढ़ती आबादी और सहूलियात के फुकदान ने मुल्क की तरक्की में बहुत सारी पेचीदगियों को जन्म दिया है। समाजी तब्दीलियों की वजह से शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ गया है। देहात के साथ साथ जरई जमीन भी सुकड़ती जा रही है। पॉपुलेशन और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही है। अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत तेज हो, रैपिड इंक्रीज हो, तो जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनकी ग्रोथ कम हो, तो ये जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो दुश्वारियां फेस करनी पड़ती हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान की पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 में लॉन्च की, जिसका मकसद 2022 तक इस मसले को हल करने की जानिब गामजन होना था, जो ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। बढ़ती आबादी ने इंसानी जिंदगी के साथ अर्ज पाक में माहौलियात को भी शदीद मुतासिर किया है। ज़राअत पर काम के दबाव ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा किया है। रिसोर्सेज चाहिए डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन वो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन है कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिड्यूस करें। अगरचे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी 1.9 पे है या ऑलमोस्ट 2 पे है, लेकिन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी ये ज्यादा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस में ज़राए आमदन और बेहतर जिंदगी के हसूल के लिए 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक का रुख किया है, जो लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी बड़ा मसला बनने लगी। मुल्क में आवाम को नए चैलेंजेस का सामना है। शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, नौजवानों को रोज़गार के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद एमन सैयद से। एमन बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आबादी की अगर बात कर लें तो ना सिर्फ माहिरीन की जानिब से बल्कि आलमी इदारों की जानिब से भी पाकिस्तान में तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी को एक बड़ा मसला करार दिया गया है और इसकी वजह से पाकिस्तान को और इसकी आवाम को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें गैर मियारी तालीम और गैर मियारी सेहत की सहूलियात के साथ साथ खुराक, पानी और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की आबादी में तेज़ रफ्तारी से जो है वो इजाफा देखा गया है। हुकाम को देखना होगा कि कैसे जो है इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। साथ साथ माहिरीन का ये भी कहना है कि आबादी का जो मसला है, बढ़ती हुई आबादी का, इसने ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मुतासर किया है पाकिस्तान में, बल्कि इसके साथ साथ जो है माहौलियात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़रात जो है, क्योंकि आबादी ज़्यादा होती है तो उस पर ज़ाहिर है ज़रात पर जो है वो ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा ज़मीन जो है वो काश्त की जाती है और इस वजह से जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई है पाकिस्तान के। किसी भी अगर शहरों की बात कर लें या फिर जो देही इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा ज़रात की वजह से, ज़्यादा ज़मीन काश्त करने की वजह से जो माहौलियात है पाकिस्तान की, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मसला है जिस पे माहिरीन को मिल बैठकर और हुकाम को मिल बैठकर काम करने की ज़रूरत है।